यार अभी जो है मैं तैयार श्यार होकर निकलूँ और अभी खैर टाइम हो गया है 10 बजे का, बल्कि 10 का नहीं 11 का हो रहा है। ठीक है, सीन ये कि आज जो वीडियो शूट करनी थी मैंने, वो रावी प्यागो जिसका मैंने रिव्यू बनाया था, रावी प्यागो और उसका कंपैरिजन करना था अपने यामा YBR 125G के साथ। ठीक है, लेकिन एक और मसला ये है कि रावी प्यागो अभी मेरे पास है नहीं, उसको जाके लेकर आना पड़ेगा। तो अपनी निशान मार्च आई हुई थी घर पर, इस मुर्गे को मैं ज़बा करके खा जाऊंगा यकीन मानो। खैर अपनी निशान मार चाहिए थी घर पे। ठीक है, इसको जाके देना है एक और जगह पर और वहाँ से रावी प्यागो उठाना है, और प्यागो कह लो प्याजो कह लो जो कह लो, ठीक है, वहाँ से उसको लेना है और वापस लाना है घर पे, और फिर उसके बाद ये वाकई में मार खाएगा। फिर उसके बाद यार मैंने अपने YBR को धुलवाना है, क्योंकि इसकी हालत चेक करो, बहुत ही बिगड़ी हुई हालत है यार इसकी, ये देखो बहुत ही बिगड़ी हुई हालत है, मीटर का हाल देखो। खैर मोटरसाइकिल तो आ गया। ठीक है, इसकी हालत साफ सुथरी, इतना गंदा नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने मोटरसाइकिल की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो अभी पानी शानी पीता हूँ और जाता हूँ इसको सर्विस करवाने के लिए, इसको सर्विस करवा के लेकर आता हूँ, फिर इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो शूट करते हैं, और घर में ही शूट करूँगा क्योंकि कोई दूसरा बंदा नहीं है जो साथ दूसरा मोटरसाइकिल लेकर कहीं बाहर की लोकेशन में जाए, तो इसीलिए मैं अकेले ही हूँ, तो घर पर ही शूट करूँगा दोनों का कंपैरिजन। अकेली वीडियो होती है, अगर अकेले बाइक की वीडियो होती तो फिर मैं बाहर जाके कहीं पर शूट कर लेता, लेकिन दो चलाने के वाला दूसरा बंदा नहीं है कुछ चलाने वाला। भाई बाइक तो अपना भूल गए, अभी हालत देखो और पहले हालत देखते यार। खैर बाइक तो धुलवा लिए, लेकिन सड़क पर धूल मट्टी बहुत है, बल्ला करे घर तक पहुंचते पहुंचते साफ रही है। खैर मोटरसाइकिल तो माथ धुल के आ गए। ठीक है, रास्ते में थोड़ा बहुत कीचड़ था रोड पे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गंद लगा है, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। तो खैर ये भाई आफ्टर सर्विस से मैं केयर नहीं करता इसकी। खैर से रावी प्यागो भी आ गया, अपना बाइक धुल के भी आ गया। ठीक है, अभी बस कपड़े शपड़े चेंज करता हूँ और इसका रिव्यू स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इन कपड़ों में रिव्यू नहीं, ये तो मैंने आम नॉर्मल घर के पहनने के कपड़े, अब ये मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि भाई इसमें मैं रिलैक्स रहता हूँ, दूसरे कपड़े पहनो तो बस वो अजीब सी फीलिंग होती है, इसमें गंदे हो मंदे हो जो मर्जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। हाँ तो जी यार रिव्यू वगैरह तो बन गया। ठीक है, जो कंपैरिजन वीडियो बनानी थी वो तो बना ली, बाकी ये कि अभी तैयार श्यार हो गए कपड़े शपड़े मैंने कैजुअल से पहन लिए, अभी जा रहा हूँ मैं जिम। ठीक है, और भाई बात ये है कि आपके भाई की तबीयत 2 दिन से बहुत डाउन है, बुखार बहुत तेज़ है। ठीक है, कल भी जिम नहीं गया था, कल रेस्ट किया था क्योंकि परसों रात को मुझे ड्रिप लगी थी, तो खैर अभी थोड़ी बहुत बेहतर है, तो मैंने कहा यार जाते जिम देखते क्या सीन है क्या नहीं, हल्की फुल्की गेम लगाऊंगा, इतनी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा जब तक तबीयत रिकवर नहीं होती, तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो खैर
यार ये बैग मैंने रख लिया छोटा सा, ठीक है, इसके अंदर एक टी शर्ट और पानी की बोतल रख ली है। टी शर्ट इसलिए रखी है क्योंकि अगर वहाँ पे बाज़ होता है पसीना ज़्यादा आ जाता है तो ये गीली हो जाती है टी शर्ट पसीने की वजह से, ठीक है। तो उस पर जब बाइक चलाता हूँ तो वो फिर गर्म सर्द होने का ख़तरा होता है कि भाई ठंड लग जाएगी क्योंकि गीली टी शर्ट होती है पसीने की वजह से, तो इस वजह से नहीं चल, इस वजह से मैंने टी शर्ट रख ली है, तो उधर ही चेंज कर लूँगा वापसी पे आते वक्त। अभी बाइक कौन सा लेकर जाऊँ, ये लेकर जाता हूँ क्योंकि वो आज मैंने धुलवाया, उसको एक दो दिन ज़रा साफ खड़ा रहे तो अच्छा लग रहा है, ये वाला लेकर जाता हूँ, ठीक है। इमरा तो गए लेकिन हल्की फुल्की गेम लगाऊंगी इतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि तबीयत ख़राब है बहुत। I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Yaar khair, pasina usi tarah aaya jaisa maine socha tha, to ye ek t-shirt maine tabdeel kar li hai, dusri t-shirt bag mein dal di hai और अभी टाइम हो गया तकरीबन 7:30-7:30 का, तो अभी चलते घर, चल के थोड़ा रेस्ट करते यार क्योंकि बुखार बहुत तेज़ महसूस हो रहा है अब तो। अंधेरा हो गया है और मुझे पता ही नहीं था कि भाई इस बाइक की लाइट रही है, ठीक है। तो खैर अभी बड़े एहतियात से जा रहा हूँ, देखो इसकी लाइट ही नहीं बाइक की। खैर दुकानों की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन आगे जहाँ पे सुनसान हो जाएगा वहाँ पे थोड़ा है ख़तरनाक। इस जगह पे बाइक की लाइट ज़रूरत पड़ती है यार, क्योंकि ये थोड़ा सुनसान सा एरिया है और खड़े भी नज़र नहीं आते यहाँ पे। याद ही नहीं रहा मुझे इसकी लाइट नहीं है, नहीं तो वो अपना बाइक ले आता मैं। खैर चलो कोई नहीं, इतने तो गए गुजरे हम भी नहीं है, चला लेते मोटरसाइकिल बगैर लाइट के भी। हाँ तो जी भाई यार घर पहुँच गए, ठीक है। और ये था भाई आज का व्लॉग, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, थक गए यकीन मानो। अभी जुशांदा वगैरह लेकर आया हूँ तो ये बनाते पीते और थोड़ा रेस्ट करते क्योंकि तबीयत बड़ी ख़राब होगी यहाँ पर लाइट से आ रही है, एक तो मैं लाइट की उससे। खैर भाई ये था आज का व्लॉग, घर पहुंच गए, अभी जुशांदा वगैरह बनाता हूँ, पीता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, होपफुली कल अच्छा बेहतर होगा। तो अपने आप को हिफाजत करें भाई, डेंगू बहुत फैला हुआ है तो बहुत हिफाजत करें अपना, ठीक है। मुझे नहीं हुआ अभी तक, अल्लाह माफ़ करे मुझे डेंगू नहीं हुआ, खाली हल्का सा बुखार है बस अभी, ठीक है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.